हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर डीके करियर क्लासेस। और हम सीख रहे हैं वोकैब। हमने वोकैब के फर्स्ट पार्ट में कुछ वर्ड सीखे थे जो कि हमारे लापरवाह बेपरवाह से रिलेटेड थे। उसके एंटोनियम्स के बारे में भी हमने सीखा था जो चौकन्ना के रिलेटेड में थे। तो आज ही हमारा वोकैब का सेकेंड पार्ट है और इस पार्ट में हमने नौशिखिया से रिलेटेड वर्डों को इंक्लूडेड किया है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है, हमारा फर्स्ट वर्ड है टायरो। टायरो मींस क्या होता है? टायरो मींस का मतलब होता है नौसिखिया। देखिए, हमने जितने भी वर्ड इस वीडियो में इंक्लूडेड किए हैं वो सभी हमारे नौसिखिया से रिलेटेड हैं। तो टायरो को हम किस तरह से मेमोराइज करेंगे, इसमें इमेज में देखिए, जैसा कि इमेज में ये दिखाया जा रहा है कि ये कुछ चिल्ड्रंस हैं जो क्या कर रहे हैं, टायर चला रहे हैं। ठीक है, ये जो कुछ बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, टायर चला रहे हैं। जनरली क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो नौसिखिया ही होते हैं, वो एक साथ स्कूटरी या साइकिल या बाइक को नहीं चला पाते हैं, तो पहले वो क्या करते हैं, टायर को चलाते हैं। तो इस वर्ड में ये देखिए टायर साउंड है, TYRO टायर। ठीक है, तो इस टायर से आपको ये वर्ड याद आ जाएगा कि टायरो मीन्स क्या होता है। टायरो का मीनिंग होता है नौसिखिया, यानी बिगनर, जो बिगनर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है एबेसेडेरियन। अब एबेसेडेरियन को हम किस तरह से मेमोराइज करेंगे? एबेसेडेरियन में क्या है, जो लर्नर होता है, जो नौसिखिया होता है, वो सबसे पहले अल्फ़ाबेट को सीखता है, जो ABCD को सीखता है। तो इस वर्ड में अल्फ़ाबेट आ रहा है, A है, B है, इसके बाद B के बाद C है, फिर D है, और बीच में E आ रही है। तो एबेसेडेरियन से आपको ध्यान रहेगा कि एबेसेडेरियन का मतलब क्या होता है, नौशिकिया होता है। हमारा न्यू वर्ड है, दूसरा वर्ड हमारा है वो है नोविस। और नोविस का मतलब क्या होता है, नोविस का मतलब भी नौशिकिया होता है। तो नोविस को ये इमेज में देखिए, बच्चा जो है बिल्कुल नोविस है, बिल्कुल छोटा सा है, नौसिखिया है, धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहा है। तो नोविस का मतलब भी क्या होता है, नौसिखिया होता है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है न्यूफैटे। न्यूफैटे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। ये जो वर्ड है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये मिसस्पेल्ड के रूप में भी पूछा जाता है। तो न्यू फैटे को हम किस तरह से याद करेंगे, देखिए इसमें एक तो न्यू आ रहा है, ये न्यू जो है वो एक रूट वर्ड है और इस न्यू का मतलब होता है नया। ये फाइटे है, इसको हम साउंड के थ्रू याद कर लेंगे, फाइट फाइट, ये फाइट का साउंड आ रहा है, FIGST, इस फाइट का साउंड आ रहा है। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी, बागी मूवी देखी होगी, उसमें जो टाइगर श्रॉफ होता है वो क्या कर रहा है, टाइगर श्रॉफ जो होता है वो ये जो गुरु हैं इसके, इनके पास जाता है, मतलब ये बिगनर होता है, नौसिखिया होता है, तो ये मतलब फाइट सीखने के लिए जाता है। ठीक है, ये फाइट सीख रहा है, देखिए ये नवशिष है और ये क्या कर रहा है, फाइटिंग सीख रहा है। तो न्यू फाइट का मतलब क्या होता है, बिगनर होता है, नवशिष होता है, मतलब ये बिल्कुल नवशिष है, नया शिष्य है, और ये फाइटिंग को अपने गुरु से क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो आई होप आपको ये वर्ड याद रहेगा, ये वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया। देखिए, हमने अपने जो हमारी जो सीरीज है, हम अपनी सीरीज में केवल इम्पॉर्टेंट वर्ड को ही इंक्लूड करेंगे जो जनरली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है रुकी। रुकी, रुकी को हम कैसे मेमोराइज करेंगे, रुकी, और रुकी का मतलब होता है एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक अनुभवहीन व्यक्ति होता है, इसका मतलब होता है एक अनुभवहीन व्यक्ति। अब इसमें जो रुकी है, जो अनुभवहीन व्यक्ति होता है वो क्या करता है, इसमें साउंड आ रहा है रुकी, ये साउंड आ रहा है इसमें, रुकी इसमें साउंड आ रहा है। ठीक है,
तो जो अनुभवहीन व्यक्ति होता है वो कार को ठीक से नहीं चला पाता है, जहाँ तहाँ वो कार को रोक देता है। इधर देखिए कोई अनुभवहीन है, अनएक्सपीरियंस पर्सन है जो कार को चलाना नहीं जानता है, उसने इस कार को पेड़ में ठोंक दिया है। ठीक है, इसकी कार जो यहाँ पर आकर रुक गई है, तो रुकी का मतलब होता है अनुभवहीन पर्सन। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखते हैं क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कालो। कालो, कैलो का मतलब क्या होता है, कालो का मतलब भी अनुभवहीन होता है, इनएक्सपीरियंस्ड होता है, नौसिखिया होता है। तो कैलो को किस तरह से याद करेंगे, इसको हम इस तरह से याद करेंगे। देखिए इसमें साउंड आ रहा है कल और ये आओ, कल आओ, ठीक है, कल आओ, एक कल है और आओ, ठीक है। तो ये जो बॉस हैं, ये इस लड़की, ये लड़की जो थी वो जॉब लेने के लिए आई थी, ये कैसी थी, इनएक्सपीरियंस थी, अनुभवहीन थी। तो इसके बॉस ने कहा भाई ऐसा है कल आओ, मैं कल आपको बताऊंगा कि तुम्हें जॉब पे रखना है या नहीं रखना है। तो कल आओ क्या होता है, एक अनुभवहीन पर्सन होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न, तो ग्रीन हॉर्न को हम कैसे मेमोराइज करेंगे, ग्रीन हॉर्न को हम मेमोराइज करेंगे, ग्रीन हॉर्न का मतलब भी नौसिखिया होता है, इनएक्सपीरियंस्ड या अनुभवहीन होता है। तो कुछ लोग इतने अनुभवहीन होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए इसमें साउंड आ रहा है, एक तो ग्रीन का साउंड आ रहा है और एक आ रहा है हॉर्न, इन दोनों को अलग करके याद कर लेंगे। ठीक है, ये ग्रीन हो गया, ये ग्रीन लाइट है, और ये मान लीजिए हॉर्न हो गया, हॉर्न, ये हॉर्न हो गया। तो कोई पर्सन है जो ट्रैफिक के रूल्स को नहीं जानते हैं और लाइट मतलब ग्रीन हो गई है फिर भी वो हॉर्न बजाए जा रहे हैं, ठीक, उन्हें उसके बारे में पता ही नहीं, मतलब वो नौसिखिया हैं, अनुभवहीन है, ट्रैफिक के रूल को नहीं जानते हैं। तो आई होप आपको ये वर्ड याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अप्रेंटाइज। अप्रेंटाइज इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। अप्रेंटाइज का मतलब होता है अनुभवहीन, इसका मतलब भी अनुभवहीन होता है या नौसिखिया होता है। इसको हम कैसे मेमोराइज करेंगे, इसमें ये साउंड आ रहा है आंप, क्या आ रहा है, आंप, और ये है RENT, रेंट। रेंट का मतलब होता है किराया, रेंट का मतलब क्या होता है, किराया। तो अप्रेंटाइज का मतलब भी लर्नर होता है या नौसिखिया होता है, इनएक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है, टायरो होता है, नोविश होता है। तो क्या होता है, इसको हम ऐसे याद करेंगे, ऑपरेंट। जनरली हम जब लर्नर होते हैं तो क्या करते हैं, हम बाहर जाते हैं, अपने घर से बाहर जाते हैं, आउट ऑफ होम जाते हैं, वहाँ पर रूम जो होता है वो किराए पर लेते हैं, रेंट पर लेते हैं। तो जो नौसिखिया होते हैं, लर्नर होते हैं, वो ही किराए पर कमरा लेते हैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए। तो ऑफ रेंट मतलब आपने, हम कह सकते हैं कि आपने वहाँ सीखने के लिए, आप एक लर्नर हैं, आपने वहाँ सीखने के लिए क्या लिया है, रूम जो है वो किराए पर लिया है, क्योंकि आप अभी नौसिखिया हैं, आप अभी कैसे हैं, लर्नर हैं, अनुभवहीन हैं। तो अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्लैडलिंग। फ्लैडलिंग का मतलब होता है चिड़िया का छोटा बच्चा, चिड़िया का छोटा बच्चा या अनुभवहीन। तो फ्लैडलिंग को हम कैसे याद करेंगे, फ्ले यानी कि फ्लाई, इसका मतलब हुआ फ्लाई, ठीक है, मान लीजिए इसका साउंड है फ्लाई, फ्लाई माने होता है उड़ना, इसका मतलब क्या होता है, उड़ना। जो चिड़िया का छोटा बच्चा होता है वो उड़ नहीं पाता है, अनुभवहीन होता है, उसे उड़ने का अनुभव नहीं होता है, तो वो उड़ने से क्या होता है, अनुभव होता है, मतलब उड़ने का उसे कोई अनुभव नहीं होता है। तो फ्लैडलिंग का मतलब चिड़िया का छोटा बच्चा या अनुभवहीन या नौसिखिया होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, नेक्स्ट वर्ड अब इसके हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स इसके क्या होते हैं, इसके एंटोनियम्स होते हैं एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और एक्सपर्ट होता है, प्रोफेशनल होता है, और मैच्योर होता है। ये इसके कैसे हैं, इसके एंटोनियम्स हैं, ठीक है। मैच्योर का मतलब क्या होता है, मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व, कोई पर्सन जो बिल्कुल परिपक्व है, पूर्ण तरीके से विकसित है, पूरी जानकारी है उसे, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी जो वर्ड हैं वो हमारे जो टायरो वर्ड है, जो एबिसेडेरियन है, नोबिस है, न्यूफाइटे है, ठीक है, इन सभी के ये एंटोनियम्स हैं। तो आई होप आपको ये वर्ड हमारे इस ट्रिक के माध्यम से याद रहेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से और कुछ वर्ड इंक्लूड करेंगे। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।